एमपी कांग्रेस ने सरकार पर सरपंचों के अधिकार खत्म कर देने के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में कलेक्टर राज चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सरपंचों के अधिकार वापस देने की मांग की है। सीएम हाउस में हुए महिला सरपंचों के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरपंचों को सिर्फ कार्यक्रम ही मिलते हैं। सरपंचों को हक और अधिकार केवल कांग्रेस की सरकार में मिला करते थे। सरपंच से मिलकर गांव के विकास और नौजवानों को कैसे रोजगार दिया जाए, इस पर चिंतन किया जाता था। उन्होंने कहा कि आज पंचायत में फंड पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं, ऐसे में पंचायत का विकास कैसे होगा। पंचायत के जो हक और अधिकार कांग्रेस की सरकारों में मिला करते थे कि गांव के नौजवान को रोजगार बना दिया करते थे और गांव के अंदर के विकास की व्यवस्थाएं पंचायतें मिल के तय करती थी, आज पंचायतों के अंदर फंड की पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए, अधिकार सरपंचों के खत्म कर दिए गए और कलेक्टर राज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया कि सरपंच पंचायत मिल के तय करेगी गांव में कितना विकास होना है, उनको फंड की व्यवस्था करिए, उनके SOR को रिवाइज करने का काम करिए, गांव के अंदर की जो कुटिया है उनको देने का काम करिए, उन कुटियों के पैसे बढ़ाने का काम कर दिए और कैसे गांव का संपूर्ण विकास और विकसित गांव बने इसके ऊपर काम करें, क्योंकि सरकार की मंशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है, ये ना कि जनता को राहत दे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।